लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड प्रिपरेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वेन एवर यू परचेज द इन्वेंट्री तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करते हैं. ऑन द सेल डेट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं, बट जबकि पीरियोडिक सिस्टम में देयर इज नो इन्वेंट्री मेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई भी इन्वेंट्री जो है वो एंट्री नहीं करते. जब आप सेल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप सेलिंग प्राइस पे सेल्स क्रेडिट और अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल सॉरी डेबिट होगा. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम द इन्वेंट्री ऑन हैंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर आर नॉट डिटरमाइंड अंटिल द ईयर एंड. जैसे मैंने आपको बताया है कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें आप टाइमली यानी आप साथ साथ जो टेबल बिल्ड करते हैं और साथ साथ उसका जो बैलेंसेज है वो लिखते रहते हैं, जबकि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता. आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तब तक पता नहीं चलता जब तक आपका ईयर एंड या मंथ एंड ना हो. तो लास्ट में हम देखते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है, आपने परचेजेस कितनी की थी, तो उससे हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैं वो क्या है. सो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी हम चारों मेथड यूज करते हैं इन्वेंट्री कैलकुलेशंस के, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट एवरेज मेथड, फाइफो एंड लाइफो मेथड. एग्जांपल हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में तो यही है कि बाय कि आप जो परचेजेस कर रहे होते हैं वो आप जिस डेट पे आप इसको परचेज करते हैं उस डेट पे आप इसको जो है वो इन्वेंट्रीज को आप उसी डेट के ऊपर स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई करके बाद आपने जो परचेजेस की भी हैं वो किन किन डेट्स पे किए हैं. फॉर एग्जांपल जैन 3rd पे आपने परचेज की है 300 यूनिट 5.30 की प्राइस पे. उसके बाद आपने जो परचेज की है वो की है आपने जैन 20 पे, और जैन 20 पे जो परचेजेस हैं वो 150 यूनिट्स के हैं और एक यूनिट की प्राइस 15.60 है और टोटल आपकी जो परचेजिंग है वो $840 की है. इसी तरह सितंबर 15 को आपने परचेजेस किए 200 यूनिट्स और 5.80 की प्राइस पे, पर यूनिट प्राइस पे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1160. इसी तरह नवंबर 29 पे आपने 150 यूनिट्स परचेज किए हैं और 5.90 पे परचेज किए हैं और $885 की जो है वो टोटल परचेजिंग है. अब जो टोटल आपके पास गुड्स हैं वो है 1000 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 150. इन पांचों को आप प्लस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल इज 1800 और एंडिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1200 यूनिट्स की. एंडिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1200 यूनिट. कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है कि ये वो इन्वेंट्री है जो कि आपकी बिकने के लिए तैयार है. 1800 की जो इन्वेंट्री है वो आपकी सेल होने के लिए तैयार है. एंडिंग इन्वेंट्री आप जब देखते हैं, आप जब एवेल्युएट करते हैं साल के एंड पे, तो आप देखते हैं कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है यानी जो साल के एंड पे आपके पास इन्वेंट्री बच गई हुई है वो 1200 है. तो इसका मतलब है कि 600 की वो इन्वेंट्री है जो आपने बेच दी हुई है, और 600 की जो इन्वेंट्री है वो हमने कैसे कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है इज इक्वल टू 23 25. सो दिस इज बेसिकली 9725 माइनस 6400 इज इक्वल टू 3325 इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. नाउ सेकंड इज द एवरेज कॉस्टिंग मेथड. एवरेज आपको पता है कि एवरेज कॉस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जितनी आपकी टोटल कॉस्ट होती है उसको आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी. अगेन अज्यूमिंग द सेम एग्जांपल कि जिसमें आपके पास 1800 यूनिट्स हैं और जो टोटल कॉस्ट है आपकी 1800 यूनिट्स की जो आपने डिफरेंट डिफरेंट डेट पे परचेज की हुई है वो 9750 है. ठीक है, अब इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, आप इसको 9725 को डिवाइड कर दें 1800 पे तो आंसर आएगा 5.402 समथिंग. ठीक है, तो ये होगा आपका, तो ये होगी आपकी एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की हमने, टोटल कॉस्ट विच इज 9725 डिवाइडेड बाय द टोटल
नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल विच इज 1800, तो आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे मैंने साइट पे कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 5.4025, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडिंग इन्वेंट्री है आपकी वो है 1200 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जितने आपने सेल्स किए हैं वो 600 यूनिट्स आपने सेल्स की, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि 1800 में से 1200 यूनिट्स आपके बच गए हैं और 600 आपने सेल कर दिए। अब हमने निकालनी है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, यानी आपकी अगर आप एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो उस सूरत में आपके जो गुड सेल हुए हैं वो किस प्राइस पे हैं, ठीक है। तो वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री तो की फिगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी, दैट इज 6483। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है आपने, वो 5.40278 मल्टीप्लाई 600 दैट इज इक्वल टू 3245, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो भी हम इसकी एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री, और आपके पास जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री की एवरेज कॉस्ट आएगी, दैट इज 6483। Now next is FIFO. इसी question को proceed करते हैं और देखते हैं कि अब जो FIFO method use कर रहे हैं, FIFO method use करते हुए आप जो cost of goods sold है वो कैसे calculate करेंगे, जितने unit sold sale आपने कर दिए वो आप कैसे calculate करेंगे। अब याद रखिए FIFO का मतलब है first in and first out, ठीक है। जो आपका पहले in हुआ है वो आपने पहले sale करना है। तो आपकी जो 600 units आपके sale हुए हैं, तो जो पहले इन थे वो कौन से थे, वो 1000 यूनिट्स थे। तो हमने जो पहले सेल करने हैं वो 1000 यूनिट्स में से 600 माइनस करने हैं, और जो रिमेनिंग आपके होंगे यानी ये जो आपके रिमेनिंग फिगर्स हैं 300, 150, 200 and 150 वो एज इट इज आपकी एंडिंग इन्वेंट्री में रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे देखिए बिगिनिंग इन्वेंट्री थी आपकी 5.25 की कॉस्ट पे, तो हमने इसमें से 600 यूनिट्स जो है वो सेल कर दिए, ठीक है। सो इन दिस कॉलम वी इन दिस डायग्राम वी हैव 5 कॉलम, जिसमें पहला डेट है, बिगनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, एंडिंग इन्वेंट्री है, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट करता है कि कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं। तो 600 यूनिट्स आपने सेल कर दिए और बिगनिंग इन्वेंट्री में से 400 यूनिट्स आपके रह गए हैं जो कि 5.25 की कॉस्ट पे थे। नाउ बाकी जो आपकी यूनिट्स हैं 300, 150, 200 and 150 वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आप सबसे पहले जो एंट्री इन हुई होती है आप उसको आउट करते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री में जब आप 400, 300, 150 और 200 and 150 इन सबको प्लस करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री में आपके पास होंगे 1200 यूनिट्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास है 600 यूनिट्स। नाउ वी हैव एलोकेटेड द कॉस्ट टू ऑल 1200 यूनिट्स इन द एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होगी वो होगी 600 मल्टीप्लाई 5.25, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो कॉस्ट है, सॉरी जो सेल कर दी है उसकी जो कॉस्ट है वो 3150 है, और एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास है 65। इन सबको प्लस करें मल्टीप्लाई करके तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आएगी 6575। तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर टोटल कॉस्ट जो आपकी बिगनिंग पे अवेलेबल थी वो इतनी थी, इनमें इसमें से 3150 आपकी सेल होगी और 6175 आपकी अभी एंडिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में इसी डायग्राम को अगर आप देखें तो हमने क्या करना है कि जो 600 यूनिट्स आपके सेल हुए ना, तो हमने क्या करना है कि हमने 1200 की जो इन्वेंट्री है, जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो पूरी कर लेनी है। वो कैसे, ये एंडिंग इन्वेंट्री में ये भी आएगा और एंडिंग इन्वेंट्री में से 300 में से 200 यूनिट फर्स्ट जनवरी 3rd में से भी आएगी, यानी आपकी जो लास्ट इन हुए हैं उसको सबसे पहले आपने आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1500 जो है वो सेल कर दी, आपने 1200 जो है वो सेल कर दी, सॉरी 200 सेल कर दी, आपने 150 सेल कर दिए, तो 300 में से रह गए 100, यानी 500 आपके सेल हो गए और 300 में से आपने 100 आपने सेल कर देने हैं, और यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस रह जाएगा वो रह जाएगा 200 का। बाकी सारी जो इन्वेंट्री है ये वाली, ये तो बिक जाएगी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, तो यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस रह जाएगा वो 200 का बैलेंस रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1000 प्लस 200 का जो है वो एंडिंग बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो आगे टेबल पे देखते हैं, टेबल पे देखें तो बिगनिंग इन्वेंट्री में से आपके पास है 1000 और
जो आपकी जो 300 की परचेजेस थी जैन थर्ड में, उसमें से 100 आपने परचेज किए, सेल कर दिए, और बाकी एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास रह गई 200, क्योंकि आपने 100 आपने 5.30 की कॉस्ट पे सेल कर दिए। बाकी जो थे आपके ये वाले जो जून 20th को, सितंबर 15th को और नवंबर 29th को, ये आपने सेल्स किए, तो टोटल अगर आप इसको टोटल करें 100 प्लस 150 प्लस 200, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी आती है 600, ठीक है, और एंडिंग इन्वेंट्री का टोटल करें तो ये आता है 1200। इनको आप मल्टीप्लाई करें अलग अलग से, और जो आंसर्स इनके आते हैं उनको एडअप कर लें, तो आंसर आएगा इसका 3415। और एंडिंग इन्वेंट्री को अगर आप इसको इन दोनों को चारों को मल्टीप्लाई करें और एडअप कर लें 1200 की, तो एंडिंग इन्वेंट्री इसकी होगी 6310। और कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल वो आपकी कॉमन रहेगी सब में 9725, ठीक है। नाउ आपने जो है वो लाइफो मेथड परपेचुअल सिस्टम में, सॉरी पीरियोडिक सिस्टम में आपने चारों मेथड्स पढ़ ली है, सिर्फ पीरियोडिक सिस्टम में फर्क ही होगा कि आपकी जो कॉस्टिंग होगी ना वो ईयर एंड पे होगी, वो साथ साथ आपकी जो टेबल्स यूज होंगे इसमें डिफरेंट यूज होंगे, वो आपके साथ साथ यूज नहीं होंगे। इसके इससे रेलिवेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ब्रीफ एक्सरसाइज जो मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी 8.1 से लेकर 8.10 तक, और जो प्रॉब्लम सेट है आपका 8.4 और 8.5, ये दोनों क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आपका लाजमी आता है, तो काइंडली मेक श्योर कि आप इसको जो है वो अटेंटिवली करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली